गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चला क्वेश्चन आंसर कर रहे हो? ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल हम आपको बता चुके हैं, उसमें आपको क्वेश्चन भी हमने बताया था। और अभी जो है एक एक चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और अगर एक बार ये वीडियो देखते हो और थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीडिंग कर दो तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। हाँ, हमने आपको शुरू में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी दो ही चैप्टर है, छोटा है दूसरे यूनिट के कंपैरिजन में, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आजकल देख रहे हैं इधर का ट्रेंड जो है तुम्हारा, ये 2023 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। 5 और 6 क्वेश्चन तुम्हारा वो प्रिंसिपल से आया था और 4 5 क्वेश्चन इससे आता है। तो मोर और लेस माने एवरेज अगर लेके चलोगे तो 40 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो हम शुरू करें, इजाज़त है? हाँ बोलो रितिका, बहुत हंसती रहती है, बात करेंगे तुमसे कोई अगर प्रॉब्लम होगा, पहले थोड़ा सा ही देख लो। ये देखो बेटा, आता है कि बायोटेक्नोलॉजी आप जो पढ़े हो वो प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, तो मेनली उसमें क्या पढ़े हो आप, किसी एक का जीन दूसरे में डाल के उसके क्वालिटी या क्वांटिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वही जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया तुम्हारा, जिससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते थे। तो पर्पस क्या था तुम्हारा कि कोई भी लिविंग थिंग का उसकी प्रोडक्टिविटी, माने प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ द क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाना। अब आता है यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी का अप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान से देखोगे बायोटेक्नोलॉजी का अप्लीकेशन जो है, सबसे पहले देखो ये थेरेप्टिक्स, ये थेरेप्टिक्स का मतलब समझ रहे हो, ये ड्रग्स जो बोलते हो, ड्रग्स या मेडिसिन में यूज होता है तुम्हारा, एंटीबायोटिक बनाते हो। दूसरा देखो डायग्नोस्टिक, यहाँ पर ध्यान से देखना ये डायग्नोस्टिक में क्या होता है। अभी तक जो हम लोग के यहाँ ट्रेंड था तुम्हारा वो ट्रेडिशनल ट्रेंड था, जब सिप्टम आता था तब आप टेस्ट कराते थे, अब तब पता चलता था कि हाँ कौन सा माइक्रो से आप अफेक्टेड हो। ये यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या करता है, अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज हो जाता है कि आप HIV से सफ़र कर रहे हो या कैंसर है आपको। तो अगर अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो आप उसको क्योर कर सकते हो। पर वो इसमें दो मेथड आता है तुम्हारा, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और दूसरा ELISA आता है, आगे बताएंगे। तीसरा देखो ये GM क्रॉप फॉर द एग्रीकल्चर, ये GM मीन्स क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक, GMO जो बोलते हो। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक का मतलब ये मत समझ लेना कि मान लो सपोज करो मैं हूँ तो मेरे पूरे जीन को ही मॉडिफाई कर गया, कोई एक पर्टिकुलर जीन बाहर से फॉरनर जीन मेरे बॉडी में आता है, तो अब वो जो फॉरनर जीन आवेगा बाहर से आवेगा जीन, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाएगा जो मेरा बॉडी नहीं बनाता था, इसलिए अब हम क्या हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए, इसी को ट्रांसजेनिक भी कहा जाता है। तो देख लो एग्रीकल्चर में पढ़ोगे क्या क्या यूज है, ये प्रोसेस्ड फूड, नाम सुने हो गोल्डन राइस, बायोफोर्टिफिकेशन, क्या होता है गोल्डन राइस में, जनरली देखोगे राइस या व्हीट में क्या होता है, स्टार्च ज्यादा होता है, विटामिन्स कम होता है। तो गोल्डन राइस में क्या हुआ, विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाया गया, तो उसके लिए यहाँ भी क्या किया गया बताओ, कोई आदमी क्या डाला, कौन सा जीन डाला गया उस राइस के, ओराइजा सटाइवा के सेल में, जिसके चलते उसमें विटामिन ए
बनना शुरू हो गया और उस विटामिन ए के चलते उस राइस का कलर क्या हो गया, गोल्ड कलर हो गया। देयरफॉर इट इज नोन एज गोल्डन राइस, एलोइस होता है। वो जीन को कहा जाता है बीटा कैरोटीन। ये क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए होता है। कहां से लाया गया इसको, इस जीन को, डोफोडिल्स और आर टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्योंकि ये प्लांट के केस है। प्लांट में क्या होता है, टी आई प्लाज्मिड के थ्रू यहां पर क्या होता है, बायोलिस्टिक यानी जीन गन के द्वारा उस सेल में डाला गया। अब वो सेल में जैसे ही गया तो वो विटामिन ए बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो राइस का कलर क्या हो गया, गोल्ड कलर, येलो, इसलिए उसका नाम पड़ा गोल्डन राइस। उसी तरीके से देखोगे एक और आता है, हेरिडीन होता है तुम्हारा, ये जनरली लीच के केस में होता है, वो एंटीकोगुलेंट होता है। तो अब वो लीच में जो उस लाइवरी ग्लैंड में जो बनता है, तो वो जो जीन होगा उस जीन को आइसोलेट किया, फिर मस्टर्ड पौधा में उस जीन को ट्रांसफर किया गया, जिसके चलते वो हेरिडीन बनना शुरू हो गया। बाद में डाउन स्ट्रीम के द्वारा वायल से उसको सेपरेट किया गया, तो वो दे एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, उसी तरीके से देख लो ये बायो रेमिडिएशन। ये बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को बायोलॉजी के थ्रू कंट्रोल करना। उसी तरीके से देखो वेस्ट ट्रीटमेंट, सवादी पर है, वेस्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पर फ्लॉक जो बोलते हो, याद करो इस पर क्वेश्चन बड़ी पूछता है, क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया एंड फंगस, फंजाई, यही क्या करता है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करता है, जिसके चलते आगे वो वाटर क्या होता है तुम्हारा, कंटेमिनेशन फ्री होता है। फिर आ जाओ एनर्जी प्रोडक्शन, बायोफ्यूल का नाम सुने होंगे। तो ये इतना एरिया है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का। अब यहां पर देखो आपके एनसीईआरटी क्या कहता है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। पहला देखो क्या कहता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए माइक्रोब्स और द प्योर इंसाइम। ये कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब समझ लो क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, इंजाइम का नाम सुनो। कैटलिस्ट जनरली क्या होता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो अब यहां पर वो आइडियल कैटलिस्ट या बेस्ट कैटलिस्ट किसको बोलोगे, जल्दी बताओ। तो क्या होता है जनरली देखोगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा। अब देखो यहां पर क्या हम बोल रहे थे तुमको, ये बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एंजाइम जो होता है तो वो एक्टिव क्या होता है, तो उसको एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिस एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो बेस्ट कैटलिस्ट कहलाएगा, कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, जल्दी बोलो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा ना, तो आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप, इंक्रीज ज़्यादा करेगा। तो ये यहाँ पर इस पर ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, बेस्ट कैटलिस्ट चाहे वो माइक्रोब्स के रूप में हो या प्योर एंजाइम के रूप में। दूसरा देखो क्या कहता है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अब कोई भी एंजाइम जो होता है वो जो एक्ट होता है तो क्या होता है, कुछ ऑप्टिमल कंडीशन होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन, पीएच क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, जो भी कंडीशन होता है, इन दैट कंडीशन दैट एंजाइम एक्ट मैक्सिमम। तो उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है, वो ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करके उस एंजाइम को एक्ट कराया जाता है। दूसरा देखो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई
द प्रोटीन। डाउन स्ट्रीम में पड़े हो क्या होता है, दो ही प्रोसेस होता है, एक सेपरेशन और दूसरा प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो ये थ्री रिसर्च एरिया आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ था, इसलिए आपको बता दिए। अब एक एक करके पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। जनरली देखोगे एग्रीकल्चर एरिया आ गया तुम्हारा, उसके बाद मेडिसिन में आ गए, फिर जीन थेरेपी आ गए, उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल है, और फिर इथिकल इशू है। तो इथिकल इशू इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, वो अलग इशू है। ठीक है, तो एक एक करके तुमको इसमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब देखो क्या कहता है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, तो यहां पर कहता है कि उस क्रॉप को जो है ना मोर टॉलरेंट बनाना है। मोर टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट में भी वो क्रॉप सर्वाइव करे। तो ये देखो मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस क्या, जैसे कोल्ड हो गया, ड्राउट हो गया, साल्ट हो गया, हीट हो गया। दूसरा कहता देखो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, माने विदाउट द यूज ऑफ द बायोपेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड। ध्यान से देखोगे एग्रीकल्चर, जैसे सब पढ़े हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन, कब आया था जल्दी बोलो, मोर और लेस ये 1970। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है जिसके चलते क्या हुआ, इंडिया का जो है फूड प्रोडक्शन 3 times बढ़ गया। तो ये 3 times बढ़ने के पीछे पर्पस क्या था, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन था तुम्हारा। एक तो तुम हाई यील्डिंग वैरायटी, दूसरा क्या था ये एग्रो एग्रो केमिकल बेस्ड, ये एग्रीकल्चर था। एग्रो केमिकल बेस्ड का मतलब क्या हो, विद द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड और वीडिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। फिर दूसरा देखो आया क्या, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कहता है, विदाउट द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड, ओनली टू यूज द मैन्योर। तो यहां पर मैक्सिमम जो प्रोडक्टी जो हुआ वो क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में मात्र 3 times ही बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन उसके हिसाब से ज्यादा हो गया। तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए अब आया तुम्हारा ये जीनेटिक इंजीनियरिंग, और उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सब देख लो आता है तुम्हारा, ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप विदाउट द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। उसी का एक एग्जांपल तुम्हारा बीटी कॉटन आता है, बॉल और मोटा इंसेक्ट। दूसरा देखो हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, जैसे पैसा कमाते हो घर में लाते हो तो आप सेफ जगह रहते हो ना, तो उसी तरीके से मान लो पोस्ट हार्वेस्टिंग, जिसे आपका फूड ग्रेन आया तो कहीं ना कहीं जो स्टोर करोगे ताकि वो फूड ज्यादा दिन तक स्टोर रहे विदाउट द स्पॉइलिंग। ठीक है, दूसरा देखो इंक्रीज इफिशेंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। मान लो प्लांट्स जितना न्यूट्रिएंट्स लेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बहुत सा जो इंडोजीनस जो क्रॉप था तो वो मिनरल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम था, जिसके चलते वो प्लांट क्या होता था, वीक होता था, तो प्रोडक्टिविटी कम होता था। दूसरा देखो ये इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जिसका भी बताया विटामिन ए,
इनरिच्ड राइस जिसको गोल्डन राइस कहते हो, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, बायोफोर्टिफिकेशन, याद रखना। हाँ क्या बोले हो, जल्दी बोलो तो। कविता कुछ बोल रही है, अरे बेटा मेरा मोबाइल खराब हो गया है। ये साइंटिस्ट जो था, देख लो, ये गोल्डन राइस का जो साइंटिस्ट बोलते हो, ये बेयर्स था तुम्हारा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुआ, फिर भी आप पूछे हो तो बता देते हैं। ये साइंटिस्ट था बेयर्स एंड पोट्रियाकस, और ये जो जीन था उसका नाम था बीटा कैरोटीन। ये देखो बीटा कैरेटिन, और ये क्या था तुम्हारा, प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। और कहां से लाया गया, डॉफोडिल्स, देखो यहां से ही लाया गया। और इसको क्या किया गया, ये राइस प्लांट के सेल, टिश्यू कल्चर बोलो, सेल में किसके थ्रू, ये प्लांट में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू इसमें लाया गया। और यहां पर जो प्रोसेस हो गया था बायोलिस्टिक जीन गन मेथड से, एग्रोबैक्टीरियम यहां पर आता है तुम्हारा, टीआई प्लाज्मा उसको कहते हो। उसी तरीके से ये हेरिडियम जो एंटीकोगुलेंट होता है तुम्हारा, तो वो बताए थे, देखो उसी तरीके से देखो क्या करता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, जिसे बहुत सा देखोगे वेजिटेबल होता है वो जल्दी स्पॉइल करने लगता है, तो थोड़ा सा उसके लाइफ को इंक्रीज करा गया। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है फ्लेवर सेवर टमाटो, ये जो टमाटो जो होता है इसको अगर आप 5 दिन 7 दिन भी स्टोर करोगे तो ये क्या होता है, स्पॉइल नहीं होता है। अब आपको एनसीईआरटी में दिया है बीटी कॉटन, ये बीटी शब्द जो आया है एक्चुअली कहाँ से आया है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है, और दैट बैक्टीरिया हैव जीन विच फॉर्म ए प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज टॉक्सिन प्रोटीन, लेकिन वो इनएक्टिव होता है, तो उसी के आधार पर उसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से वो जीन को आइसोलेट किया गया, फिर रिकैम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हुआ, कॉटन के सेल में डाला गया। ठीक है, तो देख लो एग्जाम्पल्स में आता है तुम्हारा ये बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, ब्राजील एंड सोयाबीन। ये देखो क्या करता है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कोल्ड, देख लो बैसिलस थ्रुंगिनिसिस, देख लो बैसिलस थ्रुंगिनिसिस व्हिच किल इंसेक्ट सच एज, देख लो लिपेडो पेट्रॉन्स, ये टोबैको बर्ड वॉर्म या आर्मी वॉर्म होता है, ये याद करना है बेटा। ये देखो कॉलोपेट्रंस बीटल्स आ जाता है, जिसको तो लोग क्या बोलते हो, घून बोलते हो चावल में देखोगे। एंड ये डाइपेट्रियंस, ये एक्चुअली क्या होता है, डाइपेट्रियंस माने दो
विंग होता है, जैसे फ्लाइज हो गया, मॉस्किटो हो गया। ये मॉस्किटो जानते हो आजकल रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, खास करके जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है वो उसको बड़ी अच्छा लगता है, तो बी पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, इट प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव एंड इट एक्टिवेटेड इन द अल्कलाइन मीडियम मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। थोड़ा सा इसको समझो, क्या होता था, जैसे ये कॉटन हो गया, टमाटो हो गया, तो इसका जो फ्रूट लगता था, तो ये जो आपका ये बर्ड वर्म है या आर्मी या बोरर वर्म होता है, तो वो क्या करता था, उसके फल में पोर कर देता था, जिसके चलते ये कॉटन सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता था, तो जितना कॉटन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता था, कम हो जाता था। तो पता चला जो वो इंसेक्ट है, अब यहाँ पर आया कि इस इंसेक्ट को कैसे किल किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा ये बैसिलस थुरगुनिसिस, ये जो बीटी बैक्टीरिया जो बोलते हो, बीटी टॉक्सिन भी बोला जाता है, तो इसमें एक जीन है और उस जीन से देख लो, तो इसको सिंपल वे में ये बीटी जीन भी बोल सकते हो, और इसी जीन को क्राई जीन भी कहा जाता है, ध्यान से देखो। और ये बीटी जीन जो है ये प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, ध्यान से देखना। और ये प्रोटॉक्सिन प्रोटीन जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इनसोल्युबल फॉर्म में, और ये इनएक्टिव होता है, और ये इनएक्टिव क्या होगा तुम्हारा, इनएक्टिव, ध्यान से देखना बेटा, ये एक्टिवेट जो होता है, एक्टिवेट जो होगा एक ही कंडीशन है, अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम इसको मिलना चाहिए। तो वो जो क्रिस्टल इनसोल्युबल होता है अल्कलाइन मीडियम में, क्या होता है ये सोल्युबल हो जाता है। अब मान लो ये अल्कलाइन मीडियम सपोज करो गट है, इंटेस्टाइन है, तो जैसे ये अब ये एक्टिव टॉक्सिन हो गया, ये टॉक्सिन क्या होता है इस वाल से अटैच हो जाता है, और इसके चलते क्या होता है उस वाल में पोर होना शुरू हो जाता है, फिर स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, और लास्ट में ये जिसके गट में ही गया है वो एनिमल क्या हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि वो प्लांट से वो इंसेक्ट दूर हो जाता है। तो विदाउट द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड यू कंट्रोल द इंसेक्ट। और ये जो हम बीटी कॉटन जो बोले हैं, ये बीटी जीन जो बोले हैं, ये भी स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही ये किल करता है। अब यहां पर प्रोसेस क्या होगा देख लो, क्या करोगे, उस बैक्टीरिया से उस जीन को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेटेड द जीन, फिर देखो इस जीन को क्या करेंगे, ये टी आई प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट बनाओगे ना, मान लो ये जीन आ गया यहां पे, ये जीन आ गया, अब इसको देख लो क्या करेंगे, उस कॉटन प्लांट के सेल में, यहां पर टिश्यू कल्चर मेथड है, तो उस सेल में मान लो ये कॉटन प्लांट का सेल है, तो यहां पर जो प्रोसेस होगा वो जीन गन के थ्रू कहां आ जाएगा, ये प्लाज्मिड देख लो यहां आ गया। अब क्या होगा, ये रिप्लिकेशन करना शुरू करेगा, नंबर ऑफ कॉपी बनाएगा, और उसी के चलते क्या होगा, वो जीन जो है तुम्हारा वो पर्टिकुलर प्रोटीन भी बनाना शुरू कर देगा, जिसके चलते क्या होगा उस कॉटन प्लांट के पूरे टिश्यू में ये वो प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में रहता है। हाँ क्या पूछे, आदमी के शरीर, नहीं बेटा
ये जो टॉक्सिन है प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी में आवेगा तो क्या करेगा, जैसे वो स्टोमिक में आवेगा, पर ही स्टोमिक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो उस टॉक्सिन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिसके चलते उसका इफेक्ट नहीं आता है, तो ह्यूमन बॉडी को किल नहीं कर सकता। अब जैसे वो इंसेक्ट आवेगा क्या होगा, ये जूस को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जूस देखो उसके एलिमेंट्री कैनाल के गट यानी इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव प्रोटीन टॉक्सिन इन नेचर है, और उसके आगे तो प्रोसेस बता ही दिए। तो इस तरीके से उस कॉटन को क्या किया, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से फ्री किया गया। तो देख लो क्या कहता है, इट प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोटॉक्सिन, ये इनएक्टिव होता है, एंड इट एक्टिवेटेड इन अल्कलाइन मीडियम मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। ये दिमाग में रखना है, मिडगट का मतलब ये हो जाता है तुम्हारा इंटेस्टाइन। अब देखो क्या कहता है, इट्स बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट इपिथेलियल सेल्स, कॉजेज लाइसिस, और लास्ट में देखो डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो ये जो बीटी कॉटन है ये स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करेगा, सब इंसेक्ट को नहीं किल करेगा। इसलिए देखोगे ये जो जीन क्राइस जीन होता है तो किस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले हो, तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल करता है। अब देखो क्या कहता है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन नेम्ड क्राइ। अब देखो ये क्राइ, देखो ये क्राइ फर्स्ट एसी, क्राइ सेकेंड एबी, ये कॉटन बॉल वर्म के लिए, और ये क्राइ फर्स्ट एबी याद करना पड़ेगा, ये कॉरन बोरर के लिए ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो यहाँ पर ये तो मेच्योर कॉटन हो गया, ये देखो यहाँ पर ये जो देख रहे हो यही देख लो, ये डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वर्म। देखो ये अच्छे जब वो ग्रोथ करता रहता है फ्रूट्स, उसी समय क्या होता है वो बोर कर देता है, जिसके चलते कॉटन का फॉर्मेशन क्या होता है, कम होता है। कभी कभी आपके CBSE में ये डायग्राम दे के भी क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा देखो आता है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, ये RNAi, ये इसको RNA इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। तो ये पेस्ट का एक अल्टरनेट मेथड हो गया, एक तो वहाँ भी पेस्ट था इंसेक्ट पर्टिकुलर, ये जो आता है ये निमोटोडा ग्रुप में आता है, ये देखो मेलियोडिग्राइन इनकोगेनिसिया, क्या होता है ये टोबैको प्लांट के, ये सपोज करो ये टोबैको प्लांट है, इसके रूट में आके देखो इस तरीके से बना देता है, गांठ जैसे हो जाता है, नोड नहीं होता, स्वेलिंग टाइप का, तो इसी को कहा जाता है इस डिजीज को रूट नोट, क्या बोलते हो रूट नोट ना बोला जाता है। हाँ रूट नोट, ये देखो ये डिजीज होता है, जिसके चलते क्या होता है इस रूट का जो है मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, तो उस टोबैको प्लांट का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा उसका अफेक्टेड होता है। तो देखो क्या कहता है, ए निमटोडा इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेज रूट नोड्स डिजीज। ये देखो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गन एज ए मेथड्स ऑफ सेलुलर डिफेंस। देख लो क्या होता है, खास करके देखोगे रिट्रोवायरस होता है दैट कॉजेज द कैंसर। तो ईओकैरियोट्स में क्या होता है ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो सेलुलर डिफेंस के जैसा काम करता है। प्रोकैरियोट्स में जाओगे तो वहां ये आरएनए इंटरफेरेंस नहीं होता, वहां पे तो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है प्रीओकैरियोट्स में, तो पहले उसको क्या करता है जो भी आता है उसके DNA या RNA को क्या करता है ब्रेक कर देता है, उसके मशीनरी को ही ख़त्म कर देता है, तो वो एंटीबॉडी बना ही नहीं पाता है। ये देखो क्या कहता है, इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक मैसेंजर RNA निमटोडा ड्यू टू कंप्लीमेंट्री DsRNA
प्रोड्यूस्ड बाय द जीएम प्लांट्स। देखो, यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर निमटोडा स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। क्या कहता है, इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। तो ये हमेशा याद रखना, ये डीएस आरएनए होगा। अब देखो प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा समझ लो बेटा, समझावे बोलो समझावे रे, कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है, आजकल गंभीर हो, कोई दिक्कत है बेटा? ये देखो क्या होता है, ये मान लो जनरली रेट्रोवायरस या ट्रांसपोन्स होता है, वहाँ से ये जीन खास करके उस निमटोडा में जो मैसेंजर आरएनए बनता है, ध्यान से देखना, उसका कंप्लीमेंट्री तैयार करना है। तो ये रेट्रोवायरस जो होता है सेलुलर डिफेंस में, देख लो वहाँ से आइसोलेट करके, सपोज करो ये डीएनए आया, तो इस मैसेंजर आरएनए का देख लो, इस मैसेंजर आरएनए का ये कंप्लीमेंट्री है, ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हैं। देखो अब ये जो डीएनए सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो लाए हो आइसोलेट करके, अब इसको टीआई देख लो, टीआई प्लाज्मिड, जनरली टीआई प्लाज्मिड भी यूज होता है, तो क्या बनाओगे, ये रिकम्बिनेंट डीएनए, फिर इसको देख लो क्या करोगे, वही जीन गन के थ्रू कहां पहुंचाना है, उस टोबैको के सेल में। अब जैसे ये आ जाएगा ये सेल में, तो अब ये डीएनए क्या करेगा, तुम्हारा ये बनाना शुरू करेगा, इसमें दोनों बनेगा, इससे जो बने इससे ये या इससे, तो आरएनए बनाना, तो इस तरीके से देख लो, ये ध्यान से देखो, तो ये हो गया एंटी सेंस, ये हो गया सेंस स्ट्रेन, और ये क्या है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये डीएस आरएनए। अब देखो जैसे ही वो निमटोडा उस टोबैको प्लांट को खाएगा, क्या होगा, उसके गट में ये चला जाएगा, अब उसका जो डिफेंस निमटोडा का है तो इसको ब्रेक करेगा, तो जैसे ब्रेक करेगा तो ये टूटेगा इस तरीके से, और ये येलो वाला भी टूटेगा, देख लो ये येलो वाला भी टूटेगा ना बेटा, इस तरीके से अलग होगा। अब ये जो मैसेंजर आ रहे हैं तो ये इसका कंप्लीमेंट्री है, यहां देखो बैठ जाएगा, और इस तरीके से देखो ये क्या कर दिया, ये डीएस आरएनए बना दिया, यहां भी देख लो। अब क्या होगा, इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनना था, अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि क्या किया, इस मैसेंजर आरएनए को ये एंटीसेंस इसको क्या किया, कंप्लीमेंट्री बना दिया, तो अब क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उस एडवर्स सिचुएशन में वो निमटोडा सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो तुम्हारा टोबैको प्लांट क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो ये हमेशा याद रहे, देखो ये कहाँ गया, देखो इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, माने आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है यूज करना डीएस आरएनए,
ये आपका क्वेश्चन बराबर नीट में आता है, ये दिमाग में रखना। आया मेरी बात समझ में? जल्दी बोलो। अब आ जाओ इन मेडिसिन में, देख लो। अभी तक देखो वर्ल्ड वाइड अगर लोगे तो 30 रिकम्बिनेंट थेरोपिट्स यानी ड्रग्स बन चुका है, जिसमें फॉर ह्यूमन यूज है, जिसमें से इंडिया में मात्र देखो 12 आर मार्केटेड, अभी 12 ही मार्केटेड हुआ है। अब मेन जो आपको पढ़ना है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसी को ह्यूमुलिन भी कहा जाता है, कहाँ यूज करते हो, शुगर कंट्रोल, डायबिटीज। अब देखो क्या होता है, जिसको डायबिटीज हो जाता है, तो डायबिटीज का मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में जो पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जिसके चलते ग्लूकोज क्या होता है, नॉर्मल कंटेंट ब्लड में रहता है, सवाल नहीं पड़े वो नॉर्मल कितना होता है, 120 मिलीग्राम पर सीसी ऑफ द ब्लड, ये नॉर्मल कंटेंट हुआ। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो एडवर्स इफेक्ट है, तो वो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, और इसका मतलब है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब तब तो बाहर से इंसुलिन दिया जाएगा, तो पहले क्या होता था, इंसुलिन जो आता था वो या तो कैटल से या पिग से। तो क्या होता है, ये कैटल पे हर एनिमल का अपना स्पेसिफिक क्या होता है, इंसुलिन होता है, जिसके चलते क्या होता था, ह्यूमन बींग एलर्जी हो जाता था। तब यहां पर क्वेश्चन ये उठा कि क्यों नहीं ह्यूमन के जीन से ही इंसुलिन बनाया जाए, जो जीन ह्यूमन में इंसुलिन बनाता है तो उसी जीन को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू क्यों नहीं बनाया जाए। तो अब उससे पहले थोड़ा सा जानोगे, ह्यूमन इंसुलिन जो होता है तो उसमें देखोगे 3 पेप्टाइड चेन होता है, जैसे देख लो, ध्यान से देखो, ये 3 पेप्टाइड चेन है, ये देखो ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये सी चेन है, माने 3 पेप्टाइड चेन होता है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। तो जब ये इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जब तीनों चेन होता है, तो इसको कहा जाता है प्रो इंसुलिन यानी इमेच्योर इंसुलिन। जब ये मेच्योर करता है तो ये मान लो ये यहां से यहां तक ये सी चेन ये हट जाता है, और सिर्फ क्या होता है, ये ए पेप्टाइड और ये बी पेप्टाइड, और इस दोनों के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्या बोले, तुम्हारे लिए एक टास्क है, बताना ए चेन में कितना अमीनो एसिड होगा, बी चेन में कितना होगा। एक हम बता देते हैं, मोर ऑर लेस बी में 21 अमीनो एसिड होता है, इसमें कितना होगा ए चेन में, क्या बोल रहे हैं हम ही बता दें, ये 31 अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग में, तो देखो क्या कहता है, ये बोवाइन कैटल इंसुलिन एंड प्रोकीन क्या हो गया, पिग हो गया इंसुलिन, इज एलर्जिक टू ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन इंसुलिन हैव 3 पेप्टाइड चेन, उसको क्या बोलोगे, प्रो इंसुलिन, बट मैच्योर इंसुलिन हैव 2 पेप्टाइड चेन। क्या होता है, यहां से सी पेप्टाइड चेन जो है हट जाता है, ठीक है, दो ही रह जाता है ए और बी। अब देखो क्या आता है, बैक्टीरिया कैन नॉट डू दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मान लो कि उस ह्यूमन से उस जीन को हम आइसो, मान लो कोई ह्यूमन जीन होगा, सपोज
मान लो ये ह्यूमन जीन है और इसी जीन से वो तीन तरह का पेप्टाइड चेन बनता है। मान लो किसी तरह इसको आप आइसोलेट किए, फिर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू माइक्रोस में इसको डाले फॉर द प्रोडक्शन के, तो प्रोडक्शन जब भी होगा तो वो तीनों चेन साथ होगा ना। तो डायरेक्ट तो बैक्टीरिया में आप कर नहीं सकते, बैक्टीरिया तो उसको अलग कर नहीं सकता है सी पेप्टाइड को। तब यहां पर क्या हुआ देख लो, इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी जो है फाउंड ए सॉल्यूशन। ये क्या किया ध्यान से देखना, इस ह्यूमन जीन का सपोज करो ये ए है, ये सी है और ये बी है। क्या किया, इसको यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, ठीक है। अब इसको क्या किया, वही एक बैक्टीरिया में और इसको दूसरे बैक्टीरिया में क्या हुआ, प्रोडक्शन शुरू किया। अब वो ये बैक्टीरिया ए पेप्टाइड बनाना शुरू किया, वो बैक्टीरिया बी पेप्टाइड, फिर उसको क्या किया आइसोलेट किया उस पेप्टाइड को और उसको लेबोरेटरी में जाके उस पेप्टाइड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या किया कंबाइन कर दिया, हो गया तुम्हारा ह्यूमन इंसुलिन। तो बहुत इजी प्रोसेस है देख लो, ये ए है, ये बी है और ये जो ब्लैक इज देख लो ये सी है। तो जब मैच्योर होता है तो देख लो सिर्फ ये रह जाता है, ये ए और ये बी, और ये बीच में जो देख लो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये फ्री हो जाता है सी पेप्टाइड से। तो यहां अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, प्रिपेयर टू चेन ए एंड बी इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई कंबाइंड बाय द क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये आपके सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम भी देख लेना। अब आ जाओ तुम्हारा जीन थेरेपी में, ये जीन थेरेपी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है। जीन थेरेपी का मतलब सपोज करो कोई आपका डिफेक्टिव जीन है तो उसको हटा दो, नॉर्मल जीन डाल दो। अभी उतना ये जीन थेरेपी बढ़ा नहीं, कहा जाता है जिसे जनरली सुनते हो कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो इसका मतलब उस डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना ऐसा होता नहीं है भाई। तो कोई जीन होगा, अगर सपोज करो होता है, अब उस जीन को हम आइसोलेट करके अब जो चाहे उस जाइगोट में इम्ब्रियोनिक स्टेज में उस जीन को क्या करो ट्रांसफर कर दो, वो लड़का आगे क्या होगा पैदा ही लेगा तुम्हारा स्टेथोस्कोप लेके, यही जीन थेरेपी है, ठीक है। देखो क्या कहता है, मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड और इम्ब्रियोनिक स्टेज। जनरली देखो ये जो जीन ट्रांसफर जो होगा तो वो इम्ब्रियोनिक स्टेज, वो भी इम्ब्रियोनिक जब सेल है तभी होगा, जब वो इम्ब्रियो ग्रोन करके एक चाइल्ड का रूप ले लेता है तब नहीं होता है आपका। ये देखो एक पहला केस आया था तुम्हारा 90 में, ये 4-year-old गर्ल्स, ये फर्स्ट था तुम्हारा, दे सफर फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी डिजीज। ये देखो क्या होता है, एडनोसिन डेमिनेज एक एंजाइम होता है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो अगर वो एंजाइम का फॉर्मेशन कम होगा या नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट क्या होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है, जिसके चलते आपका क्या होगा इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो ये 4-year-old चाइल्ड था, तो क्या अब इसका सेव करने के लिए क्या किया, टेम्पोररी मेथड में देखो क्या किया, उस बच्ची का लिम्फोसाइट को अलग किया गया, ध्यान से देखो, और इसमें वो जीन लाया गया, कौन जीन, वो एडीए, वो जीन जो तुम्हारा एडनोसिन डेमिनेज एंजाइम बनाता है, अब इसमें डाला गया। अब फिर उस बच्ची में क्या किया गया, इन्फ्यूजन किया गया। तो होता क्या है कि इस लिम्फोसाइट का भी लाइफ होता है ना, साइट का लाइफ होता है,
तो इसमें क्या होता है, बार बार उस बच्ची को इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तो परमानेंट तो क्योर नहीं हुआ। दूसरा होता है बोन ट्रांसफर, ये बोन मैरो ट्रांसफर, तो ये भी क्या होता है, टेम्पोरी मेथड होता है। परमानेंट मेथड का एक ही है तुम्हारा, कब, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये देखो क्या करता है, लिम्फोसाइट ग्रोन आउटसाइड द बॉडी एंड फंक्शनल एडीएससी डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग रिट्रोवायरस। या एनिमल के केस में क्या होता है, रिट्रोवायरस आप यूज करते हो। प्लांट के केस में क्या था, टीआई प्लाज्मिड, यहां रिट्रोवायरस प्लाज्मिड। देखो लिम्फोसाइट्स रिटर्न टू द बॉडी, पीरियोडिक इन्फ्यूजन होगा, देखो क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इट इज नॉट ए कंप्लीटली क्यूरेटिव। फॉर परमानेंट क्योर क्या कहता है, ये फंक्शनल एडीए जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। समझ में आया, तो ये एडीए डिफिशियंसी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, सॉरी नीट के लिए, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा आ जाओ मोलिकुलर डायग्नोसिस देख लो। यहाँ पर मोलिकुलर डायग्नोसिस में हमने शुरू में आपको बताया था कि हम लोग के यहाँ जो डायग्नोसिस होता है, तो एक होता है एडवांस स्टेज, जब कोई सिप्टम आ जाता है तब आप डायग्नोज कराते हो, तो तब तो बहुत बढ़ गया रहता है ना, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में, क्योंकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो आता है तो एकाएक तो सिप्टम देगा नहीं, वो पहले अपना ग्रोथ करता है, तो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए, अगर सपोज करो कि हमको लग रहा है कि दैट पर्सन सस्पेक्टेड टुवार्ड्स द एचआईवी वायरस, तो हम उसका क्या करेंगे, उसके ब्लड में देखेंगे, अगर एचआईवी वायरस होगा तो मिलेगा ना उसका। तो एक देख लो, दो होता है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर बोलते हो, और दूसरा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसी, इलिजा कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है ये, इलिजा इज नथिंग, इट इज द एंटीबॉडी एंटीजीन रिएक्शन होता है। क्योंकि मान लो अगर आपके बॉडी में एचआईवी आया है, तो आपके बॉडी के अगेंस्ट में क्या होगा, वो एंटीजन बनाएगा, तो अब वो आपका बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो एंटीबॉडी एंटीजन अगर अटैच हो जाता है तो इट मींस आपके बॉडी में एचआईवी वायरस है। अब देखो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस जो भी हो, इज डिटेक्टेड ए सिंगल एक्सटेंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए सस्पेक्टेड ऑफ द म्यूटेशन। अब ध्यान से देखो क्या होता है, सपोज करो ये जीन है, देख लो ये सस्पेक्टेड है, लगता है कि ये म्यूटेट हो गया है, म्यूटेटेड सपोज करो, देख लो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट्री बनाएंगे, तो इसी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द माने न्यूक्लियोटाइड जो कंप्लीमेंट्री थी, इसी को क्या बोला जाता है, प्रोब बोला जाता है, और इसमें क्या करेंगे, रेडियो एक्ट, जिससे तुम्हारा रेडियो एक्टिव फॉस्फेट हो गया, उसमें इसको कल्चर कर बनाएंगे, देख लो ध्यान से, इसी को कहा जाता है, देख लो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोब इज एला। अब देख लो, अब इसको यहां से काटेंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर इसका स्मॉल फ्रेगमेंट कहाँ बनाओगे, ये जेल इलेक्ट्रोप्रोसिस, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है,
फिर उस जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस से इसको क्या होता है, ये ब्लॉटिंग मेथड कहा जाता है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है उस पे उसको ले आता है। अब ये इंट्रोड्यूस करोगे ये प्रोब, ध्यान से देखो, तो सपोज करो ये आपका म्यूटेटेड जीन है, आप सस्पेक्टेड हो। अब वो प्रोब अगर ये नॉर्मल होगा तब तो इसका कंप्लीमेंट्री बन जाएगा यहाँ पे ये प्रोब का, अगर नॉर्मल नहीं होगा माने म्यूटेटेड होगा तो कंप्लीमेंट्री नहीं बनेगा, तो ये तो नीचे भाग आवेगा ये ऐसे के ऐसे, तो ये रेडियो आउटोग्राफी से इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब देखो अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए, माने अलाउ करते हो हाइब्रिडाइज करने के लिए। हाइब्रिडाइज कब होगा, जब वो जीन जो है म्यूटेटेड नहीं होगा, नॉर्मल जीन होगा तभी हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंज, नाइट्रोजिनस बेस में चेंज हुआ है तो हाइब्रिडाइज ही नहीं करेगा। तो देखो क्या कहता है, ए नॉर्मल जीन हाइब्रिडाइज विथ प्रोब बट द म्यूटेटेड जीन नोट, द हाइब्रिडाइजेशन इज डिटेक्टेड बाय द आउटो रेडियोग्राफी, म्यूटेटेड जीन नोट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। आया, ये दिमाग में रखना म्यूटेटेड, क्योंकि आप जो फोटो आउटो रेडियोग्राफी जो होता है वो तो प्रोब को लेगा ना, तो ये तो म्यूटेटेड जीन में तो है ही नहीं है रेडियो एक्टिव, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं आता है। ये देखो इलाजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। देखो इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल में। देख लो ट्रांसजेनिक का मतलब समझ रहे हो, वही जीएमओ। अब जनरली देखोगे ट्रांसजेनिक में रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस, लेकिन उसमें भी देखोगे 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होता है, माइस है, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, माने यहाँ पर जनरली क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग रिसर्च करते हैं कि मान लो कोई हार्मोन है अपने, तो ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसको माइस पे टेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पे देख लेते हैं क्या उसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज उस आधार पे, या कोई मान लो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हो तो आपके ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उससे पहले टेस्टिंग किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल में। तो देख लो यहाँ पर वही कहता है, देख लो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। फिर देखो स्टडी ऑफ डिजीज, फिर देखो ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज देख लो कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटिड अर्थाइटिस, अल्जीमर्स, देख लो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ह्यूमन प्रोटीन, देखो ये क्या होता है अल्फा फर्स्ट एंटी ट्राइप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फिसीमा, ये जो एम्फिसीमा क्या होता है चेन स्मोकर, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, उसमें देखो क्या होता है 2.4 ग्राम पर लीटर वो प्रोटीन होता है। फिर तुम्हारा वैक्सीन सेफ्टी में, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है आपको, फिर केमिकल सेफ्टी टेस्ट में आता है। आ जाओ इथिकल इशू में, क्या होता है इथिकल इशू बताओ क्या होता है। देखो कि हर सोसाइटी का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है और उसी रूल रेगुलेशन के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। हर सोसाइटी या हर कंट्री का देखोगे एक थिंक होता है, एक सोच होता है, उसी अनुसार
काम करना है, तो इसी को इथिकल इशू कहा जाता है। अब ऐसा नहीं ना बायोटेक्नोलॉजी में कि अब ह्यूमन बीइंग पर ही रिसर्च शुरू कर दो, हर का जीन को आप अल्टर कर दो, ट्रांसजेनिक बना दो, देखो क्या कहता है। उसके लिए यहाँ पर क्या है, तो एक इंडियन गवर्नमेंट एक बनाए हुआ है कमेटी GEAC, उसको जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बाय इंडियन गवर्नमेंट। जब तक इससे अप्रूवल नहीं लोगे आप रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकते। आप तो कि आप क्या करना चाहते हो, वो देखेगा वो कमेटी की क्या इससे बेनिफिट है। देखो सेवरल कंपनीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर बीइंग ग्रांटेड बायो पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट पीपुल ऑफ डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन यूजिंग सिंस टाइम इमेमोरियल। क्या होता है, ध्यान से देखोगे पूरे वर्ल्ड में देखोगे कंट्री को तीन भाग में बांटा है, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग और अनडेवलप्ड। तो जनरली क्या होता है, डेवलप्ड कंपनी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होता है लेकिन बायो रिसोर्स कम होता है, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है। डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्री के पास पैसा नहीं है ना टेक्नोलॉजी है, इसलिए बायो रिसोर्सेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कोई प्रोडक्ट है जिसको हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, चुपके से वो कंपनी आएगा वो प्रोडक्ट को ले जाके वो अमेरिकन गवर्नमेंट के यहाँ उसको बायो पेटेंट करा देगा। बायो पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि अब वो चीज़ वही कंपनी सेल कर सकता है, आप नहीं सेल कर सकते हो, इसी को बायो पेटेंट कहा जाता है। अब जिसे देख लो अपने यहाँ देख लो इंडिया में 200,000 वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती। क्या किया था अमेरिकन गवर्नमेंट, चुपके से बासमती ले गया और उसको बायो पेटेंट करा दिया। अब बासमती नाम से सिर्फ वही कंपनी चावल बेच सकता है, जबकि अपने इंडिया में 27 तो डॉक्यूमेंटेड है लेकिन आप उसको आप बासमती कह के नहीं बेच सकते हो। देख लो इन देख लो 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट। सेपरेट अटेम्प्ट हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जैसे देखोगे बहुत अटेम्प्ट किया टर्मेरिक नीम। अब आता है बायोपायरेसी, देखो कहता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपुल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। अब बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, आपने हर कंट्री जो है क्या किया, कोई सपोज करो अब सपोज करो कोई मल्टीनेशनल कंपनी ये नीम को पेटेंट कराना चाहता है। अब मान लो हमारे कंट्री में नीम बहुत ज़्यादा है, हम नीम का बहुत सा यूज करते हैं, तो ठीक है आप करो पेटेंट लेकिन हमको कंपनसेट दोगे ना, उस लोकल पीपल से तो पूछो वो क्या चाहता है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे नीम के पेटेंट करने के बाद आप आपको अगर उसका यूज करना है तो उसी कंपनी से फेर लो, इसी को बायोपायरेसी कहा जाता है। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल भी पास्ट हुआ तुम्हारा इंडिया में। इतना तुमको बेटा पढ़ना था ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे देख लो, ध्यान से देखना क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। ये देखो 21 नीट में क्वेश्चन पूछा था, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। देखो द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये देखो ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फेट। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना, देखो क्या क्या है, ये तो होगा नहीं, देखो सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर, ये तो होगा भैया मैच्योर में नहीं रहता है, प्रोड्यूस्ड बाय आर टेक्नोलॉजी है, ये गलत है, ये देखो द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये सही है, ए पेप्टाइड
आई एंड बी पेरेंट्स से देखो ये भी सही है, तो ये इसका गलत एक ही है, तो क्या हो जाएगा? देखो कौन गलत है इसका, ये बी गलत है, तो ए सी डी, ये देखो ये तीसरा इसका सही होगा, ए सी डी। दूसरा देखो क्या कहता है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोज एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। क्या होगा जल्दी बोलो, ये इलेजा, ये वेस्टर्न नहीं होगा, साउथर्न नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखो। व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडेनोसिन डेबिनेज डिफिशियंसी, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा, क्या बोलोगे उसको यार? जीन थेरेपी, ये सही होगा। देखो क्या कहता है, नाउ ए डे इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग आउटो रेडियोग्राफी, बिकॉज ध्यान से देखो क्या होगा, ये देखो क्या कहता है, म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयरेंट, गलत। देखो म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन द बैक, भी गलत। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रूफ हैज नो कंप्लीमेंट्री, देख लो ये सही हुआ। चौथा देखो, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रूफ हैज द कंप्लीमेंट, जब म्यूटेटेड है तो प्रो कंप्लीमेंट्री कैसे होगा, ये तीसरा इसका आंसर होगा। फाइव देखो, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बी वेब बैसिलस थ्यूरिगिनेसिस इज रेजिस्टेंस टू, किसका रेजिस्टेंस था, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट प्रीडेटर नहीं होगा, यही सब थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये देखो छठा क्या कहता है, द एडेनोसिन डोमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इन टू, देखो डाई फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रोग्नोसिस डिजीज, एडिसन डिजीज, क्या होगा पहला होगा आपका, क्या होता है इसका नाम आप लोग याद करके आइएगा। ये देखो क्या कहता है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बी बीटी इन द बॉल वॉल, क्या होगा जल्दी बोलो, ये क्या करता है, ये प्रोटॉक्सिन कैसे एक्टिव होता है, कौन सा होगा, देखो अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, देखो इन आरएनएआई द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, देखो 2015 में पूछा था, क्या होगा यहां पर देखो, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्या होगा आंसर, पहला DSRNA। नाइन देखो क्या कहता है, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू निमोटोडा हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, क्या होगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA, पहला होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक क्या है भैया, माइस 95%, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा है, इस तरीके से क्वेश्चन को देखिए और बोलो क्या दिक्कत है, क्या फोटोसिंथेसिस, ठीक है नेक्स्ट हम 11 में ही आ रहे हैं बेटा, ओके बाय।